सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो अभी अभी मैं उठकर फ्रेश होकर यहाँ पे टेरेस पे आ चुका हूँ। मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट किया है और सनराइज हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं हर रोज यहाँ पे टेरेस पे आ जाता हूँ जब सनराइज होता है। तब जो दिन है बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि मैं एक सरप्राइज रखा हूँ कि मैं शॉपिंग करने वाला था। गाइस, आज हम जाने वाले हैं शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। तो मैं और मेरे पापा जाएंगे। परचेस करना चाहता हूँ वो है एक स्मार्टफोन, जो कि गाइस मुझे यूट्यूब के लिए चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो मेरा ये फ़ोन है, ये है रेडमी नोट 9। तो इसकी जो क्वालिटी है अच्छी है, लेकिन बहुत ही अच्छी नहीं है। इस बार इफेक्ट है वो नहीं आता है, ठीक है। और जो स्किन टोन है वो अलग से चेंज हो जाती है। इसीलिए मुझे एक स्मार्टफोन लेना है, ठीक है। और उसमें मैं सारी यूट्यूब की वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा। जो मैं फ़ोन लेने वाला हूँ उसमें जो मुझे क्वालिटी चाहिए वो है कैमरा। मैं स्मार्टफोन लेने वाला हूँ उसमें मुझे जो कैमरा क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा चाहिए, क्योंकि गाइस वीडियो क्वालिटी रिकॉर्ड करने में मुझे हेल्प करेगी, ठीक है। तो मैं आईफोन लेने की सोच रहा था। पापा भी कह रहे थे कि इतना कैमरे की अगर ज़रूरत है तो आईफोन ले लेते हैं। तो गाइस मुझे कैमरा ही लेना था, DSLR, ठीक है गाइस। तो उसमें क्या हुआ कि जो अभी तो मेरी कॉलेज लाइफ है, ठीक है, तो मैं अगर कॉलेज पे जाता हूँ तो वहाँ पर कैमरा और वो सब अलाउड नहीं है, ठीक है गाइस। तो मैं वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन फ़ोन अलाउड है तो मैं वहाँ पर फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं आईफोन ले लेता हूँ, ठीक है। तो आईफोन का जो बजट है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए, ठीक। जो मैं स्मार्टफोन लेने वाला हूँ वो मैंने अलग अलग स्मार्टफोन से कंपैरिजन किए हैं। मेरी रेंज है, यानी कि जो मेरा बजट है वो मैं आपको बाद में ही बता दूंगा। यहाँ पे जब मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा तभी मैं उसको दिखा दूंगा, ठीक। जो मैं स्मार्टफोन लूँगा वो सभी यूट्यूबर के लिए बहुत ही फायदेकारक होगा, क्योंकि जो मैं स्मार्टफोन लेने वाला हूँ वो आई थिंक सभी यूट्यूबर्स को लेना चाहिए, ठीक। क्योंकि कैसे उसकी जो कैमरा क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। मैंने सभी फ़ोन्स की, यानी कि वीवो, ओप्पो, रेडमी, शाओमी, वन प्लस, वो सभी के फ़ोन को कंपैरिजन किया है और उसमें से जो बेस्ट फ़ोन है वो मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको भी हेल्प करेगा, जब भी आपको स्मार्टफोन कोई भी लेना होगा तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा लेना है। इसीलिए तो चलते हैं, अभी हम आधे घंटे के बाद निकल जाएगा, ठीक है। तो गाइस लास्ट तक वीडियो को देखना और मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो नीचे जो लाइक का बटन है और उसको लाइक करके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि मेरी जो वीडियो के हर नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। इसीलिए तो गाइस, तो अगर आपको मेरे सारे व्लॉग्स के वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो उत्तरायण का त्यौहार है अभी ख़त्म हो चुका है और अभी बच्चे हैं जो काइट से हो यहाँ पे उड़ा रहे हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जब मैं स्मार्टफोन ले लूँगा, ठीक है गाइस, तो जो अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको बताऊंगा कि ये वीडियो मैंने जो मेरे स्मार्ट उसकी टेस्टिंग करेगा, कैमरा टेस्टिंग, फिर मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो गाइस जो मैं स्मार्टफोन लेने वाला हूँ उसकी मैं पूरी डिटेल दूंगा, ठीक है। तो कैमरा टेस्टिंग करेंगे उसका, फिर परफॉर्मेंस करेंगे, बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे टेस्ट करेंगे, ठीक है, और उसमें मैं आपको सारी डिटेल दूंगा। प्रोसेसर कौन सा है, कितने जी बी की रैम है, स्टोरेज, फिर बैटरी की जो MAH है वो, फिर डिस्प्ले कितनी है, सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा गाइस, क्योंकि मैं कोई भी एक चीज़ नहीं छोड़ना चाहता जो आपको ऐसा लगे कि मैं छुपा रहा हूँ। प्रोसेसर कौन सा लेना चाहिए, जो अभी ट्रेंडिंग में प्रोसेसर चल रहा है वो है स्नैपड्रैगन 888, ठीक है। तो ये जो है लेटेस्ट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का, और एक प्रोसेसर और भी है जो कि है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 है, तो वो भी अच्छा है, लेकिन स्नैपड्रैगन के कंपैरिजन में ये जो प्रोसेसर है मीडियाटेक का वो नहीं टिक पाता, ठीक है गाइस। क्योंकि स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है उसमें GPU और CPU का लेवल है जो वो मीडियाटेक के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसीलिए तो स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है, ठीक है। तो उसमें जो हमें परफॉर्मेंस मिलती है वो बहुत ही अच्छी मिलती है कंपेयर टू मीडियाटेक डायमेंसिटी के द्वारा। तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, तो चलते हैं। तो गाइस हमारा ओरियो यहाँ पे सो रहा है क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। तो गाइस जो इसका काम है पूरे दिन में सोना ही है।
ओलू 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 आलू आलू। तो गाइस अभी इसको हम सोने देते हैं, फिर इसको इसके साथ खेलेंगे। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। तो गाइस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अभी COVID-19 चल रहा है, तो मास्क लगा के रखना है, ठीक है। मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मास्क नहीं पहना है, तो सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे हम आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, 4 लोग ही आए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 4 से ज़्यादा आते तो कितनी कलम लगती, 144 की कलम हमें लगती, इसलिए ठीक है 144 यानी कि हिंदी में गई 144। ओके, तो जो वो कलम है हमें लग जाती, इसलिए हमें 4 जने ही आए हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, मास्क पहने रखना है और सेफ्टी आपको ध्यान में रखनी है अपनी, ठीक है, अपनी फैमिली की और अपनी भी, ठीक है। तो स्टे होम स्टे सेफ।